स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने ये टेंसेस की इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें बताया था कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है और टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है। तो स्टेट ऑफ एक्शन में हमने देखा था जनरली कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने टाइम ऑफ एक्शन की बात की थी। तो टाइम ऑफ एक्शन की मतलब कि सिंपल से मैंने बताया था, वहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे कि किन चीज़ों को हम टाइम ऑफ एक्शन में यूज़ करेंगे। तो हमने मैंने बताया था कि टाइम ऑफ एक्शन में हम जो टेंसेस के पार्ट होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन्हीं को हम जनरली यूज़ करते हैं। तो आज हम उसी में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस को पार्ट को हम देखेंगे। दिस टेंस इज जनरली यूज टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। अब यहाँ पर देखिए जो टेंसेस है, ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो जनरली किसी के हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी या जनरल ट्रूथ या कस्टम या प्रैक्टिस। कस्टम कहने का मतलब किसी भी रिचुअल से है, हम इस चीज़ों को रिपीट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। परमानेंट एक्टिविटी कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमारे अंदर बाई नेचर, बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो चेंज नहीं कर सकती। जैसे हमारा नहाना धोना, खाना पीना, ये सब चीज़ें हमारे डेली रूटीन में आते हैं, परमानेंट एक्टिविटी होती है जिसे हम चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर यूजली बिलीव सेफ्टी बॉडी आर नाउ ऑफ एन गेट्स लेट फॉर लंच, सॉर या सेल्डम गेट्स अप लेट। यहाँ देखिए जो पर्ल है, ये तीनों सेंटेंसेस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैबिचुअल एक्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने यूज़ किया है यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, ये तीनों के तीनों वर्ड जो है जनरली, आप देखिए यहाँ पर सेल्डम तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी की हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और ये भी बताता है साथ साथ कि वो टाइम जो इवेंट है, वो उसका टाइम ऑफ अकरिंग क्या है, मतलब वो किस कितने कब कब हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट, शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी एज अ सब्जेक्ट एंड इंटरनल प्रेजेंस। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस कहने का मतलब है कि सिंपल कि हम इस टेंस का यूज़ ऐसे स्टेटमेंट के लिए करेंगे जो प्रेजेंट टेंस में हो और प्रेजेंट में शो परमानेंट नेचर को, एक्टिविटी को शो करते हों। जैसे आई नो हिम वेल, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसे जानता हूँ तो ये क्या है, ये परमानेंट एक्टिविटी में है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आज जानते हैं कल को जानना भूल जाएंगे, ठीक है। ही टीचे सेंट जेवियर कॉलेज, अगर वो आज पढ़ाता है सेंट जेवियर कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है कि आज सेंट जेवियर में पढ़ा रहा है, कल मन करेगा तो किस पिलर्स में पढ़ाएगा, परसों मन करेगा तो लिटिल कॉलेज में जाएगा, ऐसा नहीं। तो क्या अभी परमानेंट नेचर में क्या सेंट जेवियर में जाएगा। द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, गाय दूध देती है, तो इसमें क्या सिंपल से द काउ गिव्स मिल्क, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आज गाय दूध का मन कर दिया कि नहीं चलो आज पानी देते हैं, दूध नहीं देंगे, ठीक है। तो गाय हमेशा दूध देती है। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, नदियाँ ऊंचाई पर जाने पर जम जाती हैं, तो क्यों, टेम्परेचर डाउन होता है तो नदियाँ जम जाने से स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएंगे तो बॉयल करने लग जाएंगे, टेम्परेचर भाई लोअर है तो जमेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब परमानेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में पहला देखिए सब्जेक्ट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिया है, स्पेशली कैटेगराइज किया है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इस बेसिस पे किया है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट और इसमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड नहीं करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और इस स्ट्रक्चर को हम हमेशा हमेशा प्लूरल के केस के में फॉलो करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के प्लूरल केस में फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड इन द केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बसेस और एप्पल्स है, ठीक है, जो दोनों के दोनों प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने इनके लिए रन और गेट वर्ब रिस्पेक्टिवली यूज़ किया है, ठीक है। तो हियर बसेस एंड एप्पल्स आर इन प्लूरल फॉर्म, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द फर्स्ट फॉर्म रन एंड गेट। देखिए यहाँ पर कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा रहे हैं, प्रीफिक्स तो लगता ही नहीं है, याद रखिएगा, सफिक्स ही लगता है जनरली, बट कोई किसी भी तरीके सफिक्स हमने यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के केस पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए यूजिंग एस ई एस या आई ई एस इन सफिक्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्ब में एस ई एस या आई ई एस को ऐड करेंगे सफिक्स में, ठीक। तो सफिक्स कहने का मतलब कि बाद में लगता है, जो वर्ड के, जब हम किसी वर्ब के या किसी वर्ड के लास्ट में हम एस
मतलब कोई नया वर्ड जोड़ करके ऐड करके हम कुछ दूसरा वर्ड बनाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमको दूसरा वर्ड नहीं बनाना है, दूसरा वर्ब नहीं बनाना है, हमें बस क्या करना है, ऐसे ऐसे आई एस ऐड करना है सो दैट ये रिप्रेजेंट करे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ये डिनोट करने के लिए बस हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। तो दिस स्ट्रक्चर इज फॉरवर्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ही इज प्लेस क्रिकेट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर ही द अर्थ, ठीक है। ये तीनों के दोनों क्या सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इस वजह से क्या है यहाँ पर हमने प्ले प्ले में ऐसे ऐड कर दिया, रिवॉल्व ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखिए हमेशा याद रखिएगा कि हम अब इसमें वर्ब में कोई भी सफिक्स नहीं लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब याद रखिए सिंपल सा कि सब जो नेगेटिव वर्ड नॉट है वो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उन दोनों के बीच में ही आएगा, उसका प्लेस जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होगा, उसको हम पहले नहीं यूज़ कर सकते या बाद में यूज़ नहीं करेंगे, उसके बीच में ही यूज़ करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉलोड इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए यहाँ डू नॉट है तो ऑब्वियस याद रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर सिर्फ प्लूरल होगा तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डज नॉट यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था एस ई एस लगेगा, तो डू में जब ई एस लगेगा समझ जाइएगा कि क्या है, वो सिंगुलर है। द दे डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, वे नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर दे क्या है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए डू नॉट लग रहा है। देखिए डू हेल्पिंग वर्ब, नो मेन वर्ब, इसी के बीच में हमने नॉट को यूज़ किया है। आई डू नॉट लाइक मैंगो, मैं आम पसंद नहीं करता, तो इसमें डू लाइक डू मेन हेल्पिंग वर्ब लाइक मेन वर्ब, उसके बीच में हमने नॉट यूज़ किया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको। अब आते हैं सब्जेक्ट के सिंगुलर केस पे, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया कि दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, मीना डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। यहाँ पर देखिए क्या डज हैव के बीच में नॉट यूज़ किया गया, डज डांस के बीच में नॉट यूज़ किया गया, क्लियर। तो हम हमेशा याद रखिएगा कि नॉट का यूज़, नॉट को हम जहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, किसी भी टेंस में, कोई भी टेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ही हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे सिंपल हो, चाहे परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ही नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ करेंगे। हाँ, नेवर वाले केस में थोड़ा सा अलग है, जैसे ही ऑलवेज़ कम्स लेट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ऑलवेज़ और नेवर होता है याद रखिए, ऑलवेज़ और नेवर कभी भी ये हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ऑलवेज और नेवर हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ये मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ यूज इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम करते क्या हैं। जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हिंदी की सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या से स्टार्ट होगा, क्या से, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या तुम जानते हो, ठीक है, क्या तुम जानते हो, तो इस स्ट्रक्चर में क्या जब पहले आता है तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश बनाते समय, इसका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन करते समय हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। और अगर यही क्या बीच में आ जाए सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में, जैसे तुम क्या जानते हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए। जैसे क्या है तो क्या के लिए व्हाट, क्यों है तो वाई, कैसे है तो हाउ, किसे है तो हुम, कौन है तो हु, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि इन सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले, ठीक है। अभी उसको आगे हम धीरे धीरे अभी एक एक करके समझ रहे हैं उसको। यहाँ देखिए डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये डू है तो मतलब प्लूरल केस में होगा, ऑब्वियस बात है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ यूज इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख समझने की बात है कि हम, मैंने डू से स्टार्ट किया, इस मीन्स कि हम ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जो क्या से स्टार्ट होंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट होंगे, क्या बीच में नहीं आएगा, क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम आम पसंद करते हो, क्या तुम आम पसंद करते हो, तो देखिए क्या पहले आ गया, ठीक है, तो इसलिए हमने डू पहले यूज़ किया। डू यू नो वेयर ही इज़ गॉन, क्या तुम जानते हो वे कहाँ चले गए, वे कहाँ चला गया। तो इस केस में देखिए डू जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, क्या से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
अब देखिए उसी तरह सिंपल है कि जैसे प्लूरल का किया वैसे सिंगुलर का करेगा। सिंगुलर वाला केस भी सेम टू सेम है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिस इज यूज इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए डज ही हैव डिनर एट 8 PM, डज मीना डांस ऑन द स्टेज। अब यहाँ देखिए डज है डज, ठीक है, इस केस में क्या कर रहे हैं ही हैव, या तो देखिए डज, और अब यहाँ देखिए डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि सब जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, कभी भी नॉट या नेवर यूज़ नहीं करेंगे। एक बात याद रहा, याद रखिए ये यहीं पे बता देता हूँ कि जब भी हमको नॉट यूज़ करना होगा, जब भी हमको नॉट यूज़ करना होगा तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक सेंटेंस लिख दूँ, इसी को बना दूँ, डू यू नॉट नो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, डू यू नॉट नो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि नॉट यूज़ करना था मुझे, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने क्या किया नेगेटिव वर्ड नॉट यूज़ किया, देन आफ्टर मैंने क्या किया हेल्प मेन वर्ब यूज़ किया, ठीक है। तो वैसे मैंने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ होगा, बट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, वो नॉट से पहले आ जाएगा, तो सब्जेक्ट भी इन दोनों के बीच में आएगा, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते डोंट यू नो, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर गलत होता है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट गलत लिख जाते हैं कि डोंट यू नो या डोंट ही ईट, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं करेंगे हम, हमेशा डू यू नॉट नो ऐसे ही बोलेंगे, डज ही नॉट ईट, ठीक है, ऐसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कभी भी नॉट को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख देंगे, ठीक। अब देखिए डज ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई आई होप, ठीक है। अब जैसे आपको पता है स्ट्रक्चर में ता है ती है ते ही आते हैं और कोई नहीं आता, तो हिंदी के स्ट्रक्चर में ता है ती है ते हैं लास्ट में आएगा। अब आते हैं कि एक ऐसे पार्ट पे, ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है पर हम जिसे जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, अब उसको उसके तरफ आते हैं, ठीक है। पर इससे पहले मैं कुछ ऐसे वर्ड्स सेंटेंस की बात कर देता हूँ जो कि क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट होकर के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए जहाँ पे यहाँ पर मैंने कुछ और फर्दर एग्जांपल लिए हैं, वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लिव, हुज बुक इज दिस, व्हाई डज ही स्पीक लाउड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, अब इस स्ट्रक्चर का जो हिंदी स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करिए। तुम कहाँ रहते हो, देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ जो वर्ड है, जो इंडिकेटिव वर्ड कहाँ है, वो हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस कहाँ के जो पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड है उसको यूज़ करेंगे, वेयर को हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू से पहले यूज़ करेंगे, तो वेयर डू यू लिव, ठीक है, समझ में आ गया। हुज़ बुक इज़ दिस, वो ये बुक किसकी है, यह बुक किसकी है, हुज़ बुक इज़ दिस, ठीक है। अब ये किसकी हुज़, ठीक है, अब उसको हमने क्या करते हैं हुज़ बुक, अब हुज़ बुक याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हुज़ के साथ बुक बुक तुरंत बाद आ जाएगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं होगा, ठीक है। हुज़ बुक किसकी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर, अब ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा इसको, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। व्हाई डज ही स्पीक लाउड, वह क्यों तेज़ बोलता है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि व्हाई डज ही स्पीक लाउड, यहाँ पर वह व्हाई जो है, तो व्हाई डज ही स्पीक लाउड, इसका हिंदी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, कैसा है कि वह क्यों रोता है, तो इसमें जो हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, वो क्यों रोता है, तो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका जो इंग्लिश वर्ड है वाई हमने पहले लिखा है, व्हाई डज ही स्पीक। अब आते हैं एक ऐसे पार्ट पर जिसको हम यूज़ करते हैं, जनरली समझ नहीं पाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जो देखें इसमें इज एम आर देख लेते हैं तो हमको लगता है क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को या किसी जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो या उसको इंट्रोड्यूस करना हो या उसकी क्वालिटी बतानी हो, तो हम हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट में बात कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। और इस स्ट्रक्चर में कभी भी जो है मेन वर्ब नहीं होता है, या कि कोई मेन वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब नहीं होता है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब यूज़
और नहीं होगा याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। इज जो है आपको मैं जनरली बता चुका हूँ कि इस किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ यूज़ होता है, तो ये आप ये वेल नोन होता है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं समझता, ठीक है। बट ये याद रखिएगा कि आप कि हम इज एम आर का यूज़ करेंगे और कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, और इसमें यही इज एम आर ही हमेशा मेन वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होते हैं, ठीक है। इज एम आर का यूज़ करेंगे हम जनरली, जनरली हमेशा इज एम आर का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, ही इज़ अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ माई फादर, यू आर अ ड्राइवर, दे आर सोल्जर्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर हम इसको एक पर्सन है ही, जिसको हम ही से डिनोट कर रहे हैं और उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ टीचर। आई एम अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी इंट्रोडक्शन, ये सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोडक्टरी हैं और सबके सब में ये अ टीचर, स्टूडेंट, फादर, ड्राइवर, होल्डर, ये सब नाउन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक तरफ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और बाकी इज एम आर का यूज़ तो आप जानते ही हैं। तो ये बस आज के लिए इतना ही कि हमने फिर समराइज में कर देता हूँ कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर में क्या फॉलो करेंगे, कब हम डू नॉट यूज़ करेंगे, कब डज नॉट यूज़ करेंगे। नेगेटिव के लिए नेगेटिव में सिंगुलर होगा तो डज नॉट यूज़ करेंगे, नेगेटिव में प्लूरल होगा तो डू नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में आएंगे तो वर्ब में एस सी एस आई एस तब ऐड करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिंपली वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी वर्ब में एस सी एस आई एस नहीं ऐड करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखा, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर देखे अलग, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस अब आई होप सब आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके।